साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर विवेक ने 59 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। विवेक साउथ फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा थे जिन्होंने अपनी अदाकारी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। विवेक को कल यानी शुक्रवार को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। विवेक के लिए रजनीकांत से लेकर कई अभिनेता और नेताओं ने जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की थी, लेकिन ये प्रार्थना विवेक के काम ना आई और वो दुनिया छोड़कर चले गए। ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। विवेक के निधन से उनके परिवार से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक मातम पसरा हुआ है। अभिनेता सत्यराज से लेकर इंडस्ट्री के कई कलाकारों और नेताओं ने विवेक के निधन पर ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि दी है। फिल्म बाहुबली के कटप्पा यानी कि अभिनेता सत्यराज का विवेक को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो रमेश बाला ने शेयर किया है। सत्यराज अभिनेता को याद करते हुए काफी भावुक दिखाई दिए। तो वहीं रजनीकांत ने विवेक के निधन पर एक पोस्ट लिखा जो तेलुगु भाषा में है। रजनीकांत ने लिखा कि सोशल एक्टिविस्ट और मेरे करीबी दोस्त विवेक, उनके निधन से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं शिवाजी के निर्माण के दौरान उनके साथ साझा किए गए समय को कभी भूल नहीं सकता। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनकी आत्मा को शांति मिले। तमिलनाडु सरकार में मंत्री डॉक्टर सी विजय भास्कर ने लिखा है कि पद्मश्री डॉक्टर विवेक के निधन से मैं काफी दुखी हूं। उनकी सिनेमा में बेहतरीन अदाकारी, उनके व्यवहार और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना। विवेक की आत्मा को शांति मिले। अभिनेता प्रकाश राज ने भी लिखा है कि जल्दी चले गए मेरे दोस्त, विचार और पेड़ प्लांट करने के लिए शुक्रिया। अपनी कॉमेडी और बुद्धि से हमारा मनोरंजन और सशक्त करने के लिए शुक्रिया। तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने भी विवेक को याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि विवेक, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हमें छोड़कर चले गए। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुमने दशकों तक हमारा मनोरंजन किया। तुम्हारी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो वहीं अभिनेता गौतम कार्तिक ने भी लिखा कि इस पर विश्वास करने में सक्षम नहीं हूं। उन्होंने हमें हंसाया और अपने परफॉर्मेंस के जरिए हमें सिखाया। उन्हें इस दुनिया की चिंता थी और उन्होंने हमारी मदद की। इसकी देखभाल कैसे करनी है? आपके जैसा कोई और हो नहीं सकता सर। हम आपको याद करेंगे। आपकी आत्मा को शांति मिले विवेक सर। अभिनेता हरीश कल्याण ने लिखा कि ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला है और यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे विवेक सर अब हमारे बीच नहीं है। आपने अपनी परफॉर्मेंस, सामाजिक कार्यों और एक अच्छी आत्मा के रूप में लाखों लोगों को प्रेरित किया। एक अभिनेता से ज़्यादा एक अच्छे इंसान के तौर पर आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। और इसी तरह कई हस्तियों ने विवेक के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। बीते शुक्रवार को ही अचेत यानी बेहोश होने पर विवेक को चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अभी हाल में ही उन्होंने COVID-19 का टीका भी लगवाया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विवेक ने रजनीकांत, विजय और अजीत कुमार समेत कई बड़े तमिल अदाकारों के साथ काम किया। वो कुछ फिल्मों में मुख्य कलाकार के तौर पर भी दिखाई दिए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में भी काफी सक्रिय भी थे।